हाईवे पर चलते ट्रकों की तिरपाल काटकर उनमें से सामान चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य महू के किशनगंज थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लगभग 20 दिन पहले पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर द्वारा किशनगंज पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि कैप्स टाउन कॉलोनी पिकडंबर में उसका एक ट्रक रात्रि पार्किंग हेतु खड़ा था, जहां से उक्त गिरोह द्वारा उसके ट्रक में भरे सर्वो इंजन ऑयल के 1500 डब्बों में से कुछ डब्बे अपने ट्रक में शिफ्ट कर लिए गए। आरोपियों द्वारा तिरपाल काटकर करीब 328 ऑयल के डब्बे चुराए गए। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर पता चला कि ऐसा ही एक गिरोह गुजरात के गोधरा जिले में भी सक्रिय है। तब किशनगंज पुलिस ने तुरंत कार्यवाही कर गुजरात के गोधरा से तीन आरोपियों कासिम, ओजेफा एवं सुफियान को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए सर्वो ऑयल के 222 डब्बे एवं अपराध में प्रयुक्त ट्रक बरामद किए गए। आरोपी काफी समय से गुजरात एवं मध्य प्रदेश के हाईवे पर ट्रक कटिंग का अपराध करते आ रहे थे। इन पर गुजरात में भी कुछ केस दर्ज है। महू इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 22 तारीख की बात है, 22 अक्टूबर की फरियादी है कपूर मसीह, पंजाब का रहने वाला है। इसने आकर के रिपोर्ट किया था कि उसकी आइसर ट्रक नंबर है DL1GC6234, फरीदाबाद हरियाणा से वो सर्वो ऑयल के कार्टून लेके चला था। कुल 1506 कार्टून थे। गाड़ी वो लेकर के आया था सर्वो ऑयल डिपो कैप्स टाउन कॉलोनी पिकडंबर में है। 18 तारीख को गाड़ी ला करके उसने वहाँ शाम को 6 बजे खड़ी की थी। उसके बाद 21 तारीख को सुबह करीब 5-5:30 बजे के बीच, चूँकि गाड़ी जो है डिपो के बाहर खड़ी थी, कैंपस के अंदर नहीं थी, तो ड्राइवर अंदर ही सो रहा था उसके, तो उसके आयसर के कुछ हिलने की आवाज़ उसको आई। उस पे से उसकी नींद खुली, उसने जाके पीछे देखा तो एक ड्राइवर अपने ट्रक को जो सटाक के पीछे लगाया हुआ था वो गाड़ी लेकर तेज़ी से भागा। तब उसको यह शंका हुई कि गाड़ी के अंदर से कुछ हुआ है, तो उसने फिर पूरी गाड़ी में चेक किया तो 328 सर्वो के जो ऑयल के कंटेनर थे, कार्टून थे, वो उसको कम मिले। उसके बाद उसने थाने पे रिपोर्ट किया, रिपोर्ट पे थाने पे मुकदमा कायम हुआ 759/21 धारा 379 भादा भी चोरी का, ट्रक कटिंग का मामला कायम हुआ। अब चूंकि अभी किशनगंज थाना क्षेत्र में पहले भी एक दो वारदात, देपालपुर में भी एक आध वारदात ऐसी हुई है, तो जो हम लोग ने रिकवर की थी उसमें गोधरा के गैंग जो है वो ज़्यादातर पते में आ रहे थे, तो उसी को चिन्हित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर और मुखबिरी की गई, तो मुखबिर के द्वारा पता लगा कि गोधरा वाली मूसा की गैंग जो है उसका इसमें हाथ है। उसमें से फिर टीम गठित हुई और टीम को फिर गोधरा भेजा गया। वहाँ गोधरा से फिर उन्होंने तीन लोगों को 6/11 को जो है टीम वहाँ गई, जिसमें से तीन, एक कासम पिता मोहम्मद कालू निवासी असरफी की मस्जिद के पास बेजलपुर रोड गोधरा, दूसरा ओजेफा पिता याकूब निवासी तारू सलाम सोसाइटी गोधरा, और तीसरा सुफियान पिता फारूक बामजी निवासी फलिया गोधरा। ये तीनों के तीनों जो है मिले, जिनके पास से एक ट्रक जिससे इनने कटिंग के लिए जिसका प्रयोग किया था GJ23Y8237 और उसके अंदर 222 कार्टून सर्वो ऑयल के ये बरामद हुए। ये जो कासिम है इसका पुराना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।